अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक ने 20 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है श्रीलंका टूर के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक भी खिलाड़ी हम अपनी तरफ से शामिल नहीं करेंगे, वही 20 खिलाड़ियों के नाम बताएंगे जिसका मिसबाउल हक ने अब से थोड़ी देर पहले ऐलान किया है। तो दोस्तों, आज आपको मुकम्मल सच बताने वाले हैं। उससे पहले, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो ब्राय मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर इनेबल कर देना है। चलिए दोस्तों, बगैर कोई आपका कीमती वक्त से किए आपको कंफर्म 20 खिलाड़ी बताते हैं। पहले नंबर पे रखा गया है इमामुल हक को, दूसरे नंबर पे आबिद अली, तीसरे नंबर पे हारिस सुहेल को रखा गया है श्रीलंका के खिलाफ। इसके अलावा चौथे नंबर पे कप्तानी करेंगे सरफराज अहमद और पांचवें नंबर पे उमर अकमल को भी मौका दिया गया है। दोस्तों बात करें छठे नंबर की, तो छठे नंबर पे आसिफ अली को रखा गया है और सातवें नंबर पे होंगे बाबर आजम वाइस कैप्टन। अगर बात करें आठवें नंबर की, तो शदाब खान ऑलराउंडर को रखा गया है। इसके अलावा फहीम अशरफ को भी नौवें नंबर पे मौका दिया गया है और दसवें नंबर पे होंगे ऑलराउंडर इमाद वसीम। बात करें ग्यारहवें नंबर की, तो फास्ट बॉलिंग मोहम्मद हसनैन। इसके अलावा बारहवें नंबर पे होंगे शहीन शाह अफरीदी। तेरहवें नंबर पे वहाब रियाज को मौका दिया गया है इस बार और चौदहवें नंबर पे हसन अली को भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया गया है श्रीलंका के खिलाफ। और पंद्रहवें नंबर पे होंगे मोहम्मद आमिर फास्ट बॉलर, सोलहवें नंबर पे उस्मान खान शिनवारी और सत्रहवें नंबर पे न्यू टैलेंटेड खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद को रखा गया है, अठारहवें नंबर पे अहमद शहजाद को इस बार मौका दिया गया है, उन्नीस नंबर पे होंगे मोहम्मद नवाज जो कि स्पिन बॉलर हैं और 20वें नंबर पे होंगे मोहम्मद रिजवान जो कि विकेट कीपिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये कंफर्म 20 खिलाड़ी आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मुकम्मल सच है दोस्तों, आप ट्विटर पे जाके पीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, आलानी के बान।